सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खेती के सीज़न में इतनी धूप में आप लोग समय निकाल के और इतने दूर दूर से आज मस्तूरी विधानसभा के कोने कोने से आप लोग आए हो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी माएँ बहनें बेटियाँ अपने अपने बच्चों के साथ भी, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आए हुए हैं। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारी छोटी सी पार्टी है और 10 साल हुए बने हुए, बहुत बड़ी पार्टी है, आपके दिल में बहुत बड़ी है। 2 राज्यों में 10 साल में नई नई जब पार्टियां बनती हैं, 10-10 साल 15-15 साल लग जाते हैं एक MLA बनाने में, लेकिन ऊपर वाले की कुछ कृपा थी, ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि हमारी पार्टी, 10 साल पुरानी पार्टी, 2 राज्यों के अंदर सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में 5 MLA आ गए, गोवा में 2 MLA आ गए, और तेजी से बढ़ती जा रही है। तेजी से क्यों? ऐसा नहीं कि केजरीवाल से प्यार है, ऐसा नहीं कि भगवंत मान से प्यार है, ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी से प्यार है। हमारा काम हर पूरे देश के कोने कोने में पहुंच रहा है, पूरे देश के कोने कोने में। अकेली पार्टी है जो आपके बच्चों को, आज मैं ये कहने आया हूं कि मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, एक मौका मांगने के लिए आया हूं। मैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छे स्कूल बनवा दूंगा आपके बच्चों के लिए। ये जितने माँ बहनें खड़ी हैं, वैसे तो बाप को भी अपने बच्चों की चिंता होती है, लेकिन माँ को ज्यादा चिंता होती है अपने बच्चों की, है कि नहीं है? मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई पार्टी आके ये बोल नहीं सकती 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, एक पार्टी ने 75 साल में चुनाव में आके ये कहा हो कि मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दूंगा, बता देना किसी पार्टी ने आज तक आके ये नहीं कहा। अगर अच्छे स्कूल बन गए होते, अगर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल गई होती, आज हमारा देश गरीब नहीं होता, हमारे देश में कोई परिवार गरीब नहीं होता। मैंने देखा है दिल्ली में, सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब होती थी, जर्जर पड़े हुए थे, जैसे यहां छत्तीसगढ़ में है, बुरा हाल था। कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। एक दिन जनता खड़ी हो गई और जनता ने दोनों पार्टियों को खड़ के फेंक दिया और आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया। ये कुदरत ही कराती है, कुदरत ने अपनी झाड़ू चलाई, ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलाई, जनता खड़ी हो गई, ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। 5 साल में भाई साहब सारे स्कूल, जितने सरकारी स्कूल थे सारे इतने शानदार बना दिए। अब हमारे गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चे बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। जब अच्छे स्कूल बनेंगे तभी तो तरक्की होगी। जब ये शिक्षा अधिकारी की बिल्डिंग है, इसका हाल ये बताओ, शिक्षा अधिकारी की बिल्डिंग है, इसका हाल देख लो, स्कूल का तो क्या हाल होगा, स्कूल का तो क्या हाल होगा। दिल्ली में इतने शानदार सरकारी स्कूलों में, दिल्ली में स्विमिंग पूल है अंदर, जितने बढ़िया हमने सरकारी स्कूल बना दिए उतने प्राइवेट स्कूल भी नहीं है दिल्ली के अंदर। अब लोग अपने बच्चों के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। तो अगर आपने अपने बच्चों की सोचनी है तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। और अगर यही एक बार उसी झंझट में भ्रष्टाचार चाहिए, उनके पास चले जाना, नौटंकी चाहिए, गाली गलौज चाहिए, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मारपीट चाहिए, उनके पास चले जाना। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, मैं स्कूल बनवा दूंगा आपके बच्चों के। मेरे को नौकरी देनी आती है, अभी अभी भगवंत मान साहब ने थोड़े दिन पहले 35,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दी है पंजाब में। 35,000 बच्चों को इन्होंने अपने हाथ से नियुक्ति पत्र बांटे हैं बच्चों को। इतने खुश हैं लोग, इतने खुश है, गांव गांव के अंदर नौकरियां बट रही हैं वहां पे पंजाब में, और एक पैसा नहीं देना पड़ता। यहां बिना पैसे के सरकारी नौकरी मिलती है?
बिना सिफारिश के मिलती है, वहां कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं चलता। आपके बच्चों के भविष्य की बात करने के लिए आया हूं। तो ऐसा नहीं है कि जनता ऐसे ही वोट दे रही है। 3 बार जनता ने दिल्ली में हमें जबरदस्त बहुमत दिया। क्यों? क्योंकि जनता खुश है हमसे, हमारे काम से खुश है। उसके बाद पंजाब में जनता ने इनको जिताया, मान साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। और पूरे देश के अंदर बात फैल रही है कि यार एक ही पार्टी है पूरे देश में जो हमारा तकदीर बदल सकती है। तो आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, हम 10 साल हो गए देश में 2 राज्यों में पार्टियां चला रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास। हम ऐसे ही नुक्कड़ नुक्कड़ पे जाते हैं। कभी देखा 2 मुख्यमंत्री आपसे वोट मांगने आए हो? आपका मुख्यमंत्री कभी वोट मांगने आया? 2-2 मुख्यमंत्री आपसे वोट मांगने आए हैं। आप जो वोट मांगने आया उसी को तो माँ भी दूध उसी को बच्चे को तभी पिलाती है जब वो दूध मांगता है कि नहीं है। तो जब वो वोट ही मांगने नहीं आए तो उनको वोट क्यों दोगे? वोट उसी को दो जो मांगने के लिए आया है। तो आपको अपने भविष्य की चिंता है, अपने परिवार के भविष्य की। हमने दिल्ली के अंदर पंजाब के अंदर इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सबका, अमीर हो चाहे गरीब हो, शानदार अस्पताल बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक गली गली गांव गांव में बना दिए। आके देखो, कभी दिल्ली आके देखो, आपका भी इलाज फ्री कर दूंगा अगर आप एक मौका दोगे। तो मस्तूरी विधानसभा से हमारे प्यारे भाई धर्म भार्गव जी को जबरदस्त वोट से नंबर 1 बटन दबाना, जबरदस्त वोट देके जिताना, झाड़ू का बटन दबा के जैसे झाड़ू से घर की सफाई करते हो, अब झाड़ू से छत्तीसगढ़ की भी गंदी राजनीति की सफाई करनी है। भारत माता की जय।